लोट लकार छह अर्थों में आता है, आपने देखा छह अर्थों का विचार भी हो गया। अब एक सातवां अर्थ बताना चाहते जिसमें लोट लकार आता है, आशीषी लिंग लोटो। आशीषी सप्तमी का एक वचन, लिंग लोटो प्रथमा का द्विवचन। आशीषी अपि लिंग लोटो स्तः, आशीष अर्थ में भी लिंग लकार होगा और लोट लकार भी होगा, इसलिए आशीर्लिंग और आशीर्लोट। विधि लोट देगा, निमंत्रण लोट, आमंत्रण लोट, विधि निमंत्रण आमंत्रण, संप्रष्ट लोट है कि नहीं, अधिष्ठ लोट, प्रार्थना लोट, आशीर्लोट। लेकिन इन सातों अर्थों में रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता, सातों अर्थ ले लीजिए, रूप में कोई खास अंतर नहीं है, केवल आशीष अर्थ है। प्रथमा पुरुष एक वचन, द्वितीय पुरुष एक वचनों में, मध्यम पुरुष एक वचनों में तातंग आदेश हो जाएगा, भवतु विद्यादि छह अर्थों में और भवतात आशीष अर्थ है ना, तो योस्तातंग आशीष नित्रस्य, इसलिए वहां पर अंतर पड़ा। बाकी सभी अर्थों में समान ही रहता है लोट लकार, लेकिन लिंग में ऐसा नहीं है। इत्यादि छह अर्थों में जो लिंग लगा रहे उसका रूप बिल्कुल अलग होगा, और आशीष अर्थ में जो लिंग लगा रहे उसका बिल्कुल ही अलग शकल होगा, टोटली डिफरेंट, पूरा अंतर है। वहां शप होता है विधि लिंग में, और आशीष में शप शप कुछ नहीं होता, बहुत फर्क है। इसे लोट आशीष अर्थ में हम कर रहे हैं भले, लेकिन इसके लिए अलग से हम आशीष लोट में रूप बनाएंगे नहीं, इसे सात अर्थों में सीधा हम लोट लगा कर बना देंगे। विद्यादि छह और आशीष, सात अर्थों में लोट लकार का एक सात्र बनाएंगे, उसमें केवल जहां अंतर है थोड़ा सा वो सूत्र स्वयं लाएंगे, स्वयं बता देंगे आपको आशीष अर्थ लोट लकार में कहां फर्क पड़ता है। आशीष का अर्थ क्या, आशी ही अप्राप्तिष्ट प्राप्ति इच्छा नहीं मूल में है ना, वहां नहीं है कुछ भी नहीं दिया, आशीष बिलिंग लोट होता है, वृत्ति भी नहीं है। लिखिए फिर आशिष्यपि लिंग लोटौ स्तः, आशी ही कार्त लिख रहे आगे में, आशी ही कार्त क्या, अप्राप्त इष्ट प्राप्ति इच्छा, अप्राप्त इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करने की इच्छा का नाम आशी, तम वदति इति आशीर्वाद। इसलिए आशीर्वाद देने के लिए पहले जानना पड़ेगा अगला क्या चाहता है, तब तो तम वदति, वो जो चाहता है प्राप्त करने के लिए उसी को कहोगे ना तथास्तु, पहले जानना तो पड़ेगा वो चाहता क्या है। और आज के लोग तो महाराज आप आशीर्वाद दे तो बता दे तो है ना, उनको क्या चाहिए, हम क्या आशीर्वाद दें उनको, वो चाहता है वो चीज जो होने वाला है ना, कोई बांझ औरत आके बोले महाराज आशीर्वाद दे तो चाह रही बेटा, तो हो जाएगा बांझ औरत से बेटा, अगले जन्म में हो जाएगा, अगले जन्म के लिए आशीर्वाद मांग रही क्या वो, अगले जन्म के लिए आशीर्वाद मांग रही है, द्रौपदी जैसा हाल हो जाएगा उसका। तो बेचारी इस जन्म में पति मांग रही थी और शिव जी ने उसको अगले जन्म के लिए दे पांच पति। आशी अप्राप्त इष्ट प्राप्ति इच्छा, अप्राप्त जो इष्ट पदार्थ है उनको प्राप्त करने की इच्छा का नाम आशी ही, तद अनुरूपम वदती थी आशीर्वाद एवं। अब आइए भूधन लौट, इतने अर्थों में आप लौट लगा ला रहे हैं, भूधन लौट प्रक्रिया बोलने का वही रहेगा, हाँ भूत स्मार्त शब्द भूआद धातु इतने न सत्तात्म अर्थकत्वात् धातु संज्ञायं कृते सति धातोः इति कृत्य लह कर्मणि च भावे च कर्म के भेत्तनेन सूत्रेण अनेक पोतन्या दशापिलकारा युगत प्राप्ता तत्र लोट च आशिषिलिंग लोटौ इतनयोः सूत्रयोः सहका सूत्रयोः विधिना अत्र लोटी कृते भूधन लोट इत्यवस्थायां ओटावितौ ल इति शेषे भूधन ल, भूधन ल, इन दो सूत्रों के द्वारा लोट का विधि हो गया, भूधन लोट रहा
उससे ओकार और टकार दोनों की संज्ञा हुई, ओटा वित ओट मैने ओ और ट दोनों का इत संज्ञा होकर चला गया, तो बचा ल भूधन ल। इस अवस्था में क्या क्या करते रक्षा में लकार आने के बाद क्या करेंगे? अब धातो हो प्रत्यह परश्च ये सूत्र त्रयम अधिकृत्य तिप्त जिसिप्त इत्यादि ना खले कपोतन्येन अष्टादश प्रत्ययाः युगपत् प्राप्ताः, है कि नहीं? तो फिर लह परस्मे पदम तंगाना वादितं बाधित्वा शेषात् कर्तरि परस्मे पदम तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथमोद्यमतमः तान्येकचतुर्भवसराणेकषः शेषे प्रथमः द्वेकयोर्द्योचनैकवचनैः इति सूत्रैः सहकारेण प्रथम पुरुषस्य एकवचन विवक्षायां सति भूधन्ति। भूधन्ति पकार से संज्ञा लोपे च कृते भूधन्ति इति दशायां तिंचित् सार्वधातुकम् इत्यनेन सार्धा संज्ञां कृते सति तादृश सार्धकस्य प्रत्ययस्य परे कर्तरी शप् कर्तरी शप् भू अ ई शब्द पकार हलंत्यम से शकार जो है लशक वित सूत्र संज्ञा होकर चला गया, अवच गया भू अधंती। पहले सार संज्ञा करो ना शब्द की, यानी शपह शित्वात तिंशित सार्धात्मक तस् सार्ध संज्ञा कर दे सदी सार्धात्मक गुणे कर दे तत्रापि अधिंगुण तपस्तात् काल से स्थानेन्द्रतम सूत्रत्रय सहकारेण ऊकार से ओकार आदेश कृते भो अ ई इत्यवस्थायां यथासिंगम से समानाम इत्यनेन सूत्र सहकारेण एचो यवायाव इत्यनेन सूत्रेण अवादेशी कृते भव अ ई भवधन्ति भवधन्ति। आवाद है सूत्र एरुहो एरुहो एह उह दो पद है, एह षष्ठी का एक वचन, उह प्रथमा का एक वचन, दो पद है। ई का षष्ठी में एह बनता है रूप, ई है ना, ई का रूप चलाइए रसविकार की, ई का रूप चलाओ ई ई आया इम ई ईन इना इभ्याम इभि इभ्याम इभि आये इभ्याम इभ्याह एहे इभ्याम इभ्याह एहे अयोहो योहो यण होगा केवल योहो योहो ईनाम औ योहो ईशु केवल ई वर्ण का रूप चलाते हैं। ई का क्या बनेगा पंचमी षष्ठी में? एहे बनेगा। इसलिए हो गया षष्ठी का एक वचन। क्या कह रहा है? लोट इकार से उह स्यात्, लोट के स्थान पर आदेश हुए प्रत्यावयव इकारों को उकार आदेश कर देता है। लोट के स्थान पर आदिष्ट प्रत्यावयव इकारों को उकार आदेश कर देता है। और लोट के स्थान पर आदिष्ट प्रत्यय कौन है? यहां ती, उसमें अवयव कौन है? ई है। अत ई को हो जाएगा ऊ, हो गया तू, बन गया भव तू, प्रथमा का एक वचन का यह रूप बन गया तो संज्ञा कर देंगे तो भवत प्रथम रूप सिद्ध हो जाता है। ये विद्यादि अर्थों में भवत बन गया अभी, और आशीष अर्थ में भी भवत बन गया। इन आशीष अर्थ का और विकल्प भी बनाएंगे हम, जो अन्य अर्थों में यह रूप नहीं बनेगी। कौन सा? आगे देखिए, तो ह्योस षष्ठी का द्विवचन, तातंग प्रथमा का एक वचन, आशिषी सप्तमी का एक वचन, अन्यतर श्याम विकल्प अर्थ में अव्यय, अन्यतर श्याम अव्यय। लोग सप्तमी का एक वचन सोचते हैं, अन्य तरह से विभक्ति प्रतिरूपक कब्बे आया था ना, विभक्ति प्रतिरूपक अस्तिक शीरा दृष्टांत दिया ना, अहम यूहो ये सब दृष्टांत दिया था पहले अवे प्रकरण में।
स्वर प्रतिरूपक अव्यय होते हैं, उपसर्ग प्रतिरूपक अव्यय होते हैं, और विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय में सुबंत का भी दिया था, थिंगंत का भी दृष्टांत दिया था। ये देखने में सुबंत सप्तमी का एक वचन जैसे दिख रहा है ना, लेकिन है ये अव्यय, और इसका अर्थ क्या है? विकल्प। आशिषि तुयो तातंग वास्या, आशिष अर्थ में तू और ही, प्रथम पुरुष के एकवचन में क्या होता है? तू, आपने देखा, और मध्यम पुरुष के एकवचन में क्या रहेगा? ही। इनको क्या आदेश हो जाएगा? तातंग। लेकिन किस अर्थ में? केवल आशिष अर्थ में, विद्यादि सात अर्थों में नहीं। आशिषि एव, केवल आशिष अर्थ में यह तातंग कर देता है, अर्थात बाकी छह अर्थों में तातंग का रूप नहीं है, छह अर्थ में केवल भवतु रहेगा, और आशिष अर्थ में ये भी रहेगा, भवतु और भवता, दो बन जाएंगे। आशिष अर्थ में केवल विकल्प पूर्वक दो रूप बन गया, बाकी छह अर्थों में एक ही रूप, भवतु। अब ये क्या कर रहा है? तातंग करेगा। अब तातंग करने से तू के कहां आदेश होना चाहिए? गिच्च लगना चाहिए, है ना, गिच्च लगनी चाहिए ना यहां पे, क्यों नहीं लगेगा? गकारस्य अत्र अन्यार्थकत्वात्, यहां जो गो आया हुआ है अन्यार्थकत्वात्, उसका प्रयोजन दूसरा है। क्या प्रयोजन है इसका? गुण निषेधार्थम संप्रसारणार्थ, गुण को निषेध करने के लिए और संप्रसारण करने के लिए। यहां भी गिच्चा लगना चाहिए ना, यही तो है ना, क्यों नहीं लगा? उसका कारण यह है कि गकार जो संज्ञा हुई है आदेशार्थ नहीं है, वहां अनंग जो है आदेशार्थ ही था, जब आदेश करने लगूंगा तब गिच्च आएगा, इसीलिए यदि वह गकार आदेश को ज्ञापन करने के लिए है तब तक गिच्च आएगा। जब भाष्यकार इस गकार का प्रयोजन दूसरा बता रहे, आदेशार्थ नहीं है, ईश्वर ने क्या कहा? अन्यार्थमे तत्, यह अन्यार्थ है, किंता अन्य अन्यार्थम गुण निषेधो सुनुतात बनता है ना, सुनो सुनुतात, सुनुतात नु की वो गुण नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? गिप्त होने से। किंगित्य क्या बोलता है? कितिंगित प्रत्यय परे गुण वृद्धि नास्त, कितन गित प्रत्यय प्रत्यय गुण वृद्धि नहीं होगा, वो गुण वृद्धि को निषेध करने के लिए ही यह अंगित किया हुआ है, आदेश के लिए नहीं है, अतः गिच्च यहां नहीं आएगा। लेकिन क्या उस गीत का प्रयोजन या आदेश ही है क्या? प्रश्न है न अन्यार्थ में, इसका प्रयोजन दूसरा है, यह आदेश के लिए नहीं है। क्यों? कहते कि भाई ये गुण विधि गुण का निषेध कौन करेगा? सुनुतात कैसे बनेगा? यदि गिच्चा लाकर आदेशार्थ मान लेंगे इस गकार को, तो सुनुतात में क्या होगा? आदेश में लाभ हो गया, आदेश में लाभ हो गया, फिर गुण को कौन निषेध करेगा? कहीं संप्रसारण करनी हो तो संप्रसारण कैसे करेंगे हम? इसीलिए कित गित को जो बताया यहां, उसका आदेशार्थ नहीं है, अन्यार्थ में तत्व तो उनका वचन है। अन्यार्थ क्या पूछे जा रहे? जवाब दिया उन्होंने, गुण वृद्धि निषेधार्थम संप्रसारणार्थंच, ये इसका लाभ है। आशिषि तुयोस्तातंग वास्य, और लघु के हिसाब से सीधा बोलते परत्वात् सर्वादेश कर दिया, परत्वात् सर्वादेश, तो सर्वत्र बात कर सकते, फिर गिच्चा सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती, परत्वात् सर्वादेश सर्वत्र लगा, अवंग में नहीं परत्वात् सर्वादेश हो सकता है, ये कोई हेतु नहीं बनता है। ठीक है, लघु में आपको समझा दे, परत्वात् सर्वादेश ऐसा कह दिया जाता है, ये हिंदी वाले इसे समझाया। देखो, तातंग करने का फल तो युतात में गुण निषेध और इज्ञात में संप्रसारण आदि, क्यों? कहते गिच्च सूत्र अनंग आदियों में जिनके गित करने का अन्य कोई फल नहीं होने से चरितार्थ हो गया है, अंत के स्थान में आदेश होने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनवान नहीं है, वो उस तरह से चरितार्थ हो जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं। तातंग करने का फल का चरितार्थ अंत्यादेश से नहीं है, तातंग करने का फल तो युतात्म गुण निषेध इज्ञात संप्रसारण आदि हैं, हिंदी वाले दे रहे हैं, ये ठीक किया हिंदी वाले, कम से कम लोगों के हिसाब से पढ़ा करके बाद में अपना सिद्धांत और भाषी के वचन को भी ध्यान रखते हुए लिख दिया है।
अच्छा, क्योंकि है ना, यद्यपि ये भी शुरू कहां से शुरू है देखो, यद्यपि इस प्रकार अनेकाल मानकर सर्वादेश कर लोगे, परत्वात् परत्वात् आपने कह दिया अनेकाल का होने से हम सर्वादेश कर देंगे, लेकिन गिच्छा बाधक सूत्र बने अपवाद कर देगा, और अपवाद क्या होता है, पर से भी बलवान, पर नित्य अंतरंग अपवाद न उत्तरोत्तरम बलीय, अपवाद तो अत्यंत बलवान है, लेकिन वही अपवाद अन्यत्र चरितार्थश्चेत् दुर्बल हो जाता है, और गिच्छा अन्यत्र कहां चरितार्थ हुआ, अवंग में, जिसका कोई प्रयोजन नहीं थी, वहां चरितार्थ होने से वो दुर्बल हो गया, दुर्बल होने से अनेका सर्व से लौट गया, जिस पर जब जब अपवाद के बहाने पे अनेका सर्व से बाध दिया था गिच्छा ने, और वह गिच्छा अन्यत्र चरितार्थ होने के नाते दुर्बल हो गया, अतः लौट आता है अनेका सर्वस्य, उससे दोबारा सर्वादेश हो जाता, और यहां पर प्रयोजन भी है ना इसका, गिच्छा के बिना अन्य प्रयोजन भी दिख रहा है, तातंग का गुण निषेध संप्रसारण वगैरह दिखाई दे रहे हैं, प्रयोजनाधीन होकर निर्णय होता, यानी कि निर्णय का सब कुछ अलग लगा दो, ये निर्णय का पीछे रहस्य क्या है, उस गीत का अन्य प्रयोजन है, और आदेश रूपी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहा, यहां आदेश रूपी प्रयोजन का आवश्यकता नहीं रहा, अन्य प्रयोजन दिख रहा है, अतएव हम क्या कर रहे हैं, गिच्छ को चरितार्थ होने से वह अपवाद सूत्र भी दुर्बल कह दिया गया, और अनेका से वापस लौट रहा है। अच्छा, परत्वा सर्वादेश, इसलिए क्या हो गया, भवता ते, दूसरा रूप बन गया, ये केवल आशी शर्त में ही बनेगा, केवल आशी शर्त में बनेगा, भवता विद्यादि अर्थ में नहीं होगा, इसलिए आशी शर्त में दो हो गया, भवतु भवता, बाकी अर्थों में भवतु एक ही रूप। अच्छा, अब तस्में थोड़ा विशेष जो आपको कसरत करना पड़ेगा, भूधन तस, भूधन तस, लोट लगा मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन में तस प्रत्यय आता है, भूधन तस, इसी अवस्था में सूत्र लगाएंगे बाद में, सब तो दोबारा ये सब लगना ही, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूं, लेकिन इसी अवस्था में हमें सूत्र लगाना है शप लाने से पहले, इसलिए 360 संज्ञा करूंगा, तो करने से भी पहले हम लगा देंगे तस की अवस्था में, भूधन तस, इसी अवस्था में हम पहले काम कर लेंगे, उसके बाद ये सब सूत्र लगाएंगे, लोटो लंगवत, लोटो लंगवत, लोटो लंगवत, लोटा षष्ठी एक वचन, लंगवत प्रथमा का एक वचन, ने अबे 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 लंगवत पर अबे है, लंगवत अबे है, तो वति प्रत्यांत अबे आया था ना, अबे प्रकरण में गिना था, ब्राह्मणवत दृष्टांत दिया था, क्षत्रियवत है ना, गणसूत्र दी वत करके, अबे असल में वो यह वत प्रत्यय जो आया है प्रथमार्थ में आया, लंग इव इति लंगवत, वो दिमाग में थी वो प्रथमा बोल दिया। अच्छा, इसका अर्थ क्या है, लोट लकार का रूप लंग लकार के समान चलाओ बोल दिया, ये बात तो तिप में भी लगना चाहिए है ना, लंग में क्या होता है अट्टागम होता है, लुंग लंग छोड़ता अट्टागम होता है, तो यहां भी अट्टागम करो तिप में भी, तो लंग लकार में जो जो कार्य होते हैं वो सब कार्य यहां करने लगो, यही नियम है, लोटो लंगवत का अर्थ क्या है, लोट के स्थान में वह वह कार्य करना जो जो कार्य लंग के होने पर होता था, लंग में जैसा होता है वैसे लोट में करना, लंग में क्या क्या काम होता है वो गिनो पहले, और वह सब काम यहां भी करने पड़ेंगे आपको, प्राप्त होगा ना कम से कम, करो ना करो बाद में सोचेंगे, इन प्राप्ति तो बताना पड़ेगा क्या क्या प्राप्त है, और उनमें से ये जो बोल रहे हो इतनी होगी और अन्य क्यों नहीं होंगे, तो विचार कीजिए, चार चीजें होती है लंग होने पर, लंग जब आता है लकार उसे चार काम होता है, पहला काम है अट्टागम और आटागम, अजादी धातु है तो आटागम, हलादी धातु हो तो अट्टागम, अट्टागम और आटागम होता है नंबर एक पहला में, नंबर दो जो अगला सूत्र पढ़ने वाले हो आप तस्तम, यह आदेश होता है तसादी के जो पर आदेश, दूसरा काम, तीसरा काम
इन प्रत्ययों की इकार का लोप, गित लकारों में प्रत्यावय इकार का लोप। चौथा गाम वसमस जो अंतिम प्रत्यय है ना, उनके सकार का लोप। ये चार काम, इन चार कामों में ये लोटो लंग सूत्र में वृत्तिकार कहेंगे दूसरा और चौथा काम होता है। दूसरा और चौथा, दूसरा कौन सा? तस वगैरह को आदेश करना, और चौथा वाला सकार लोप। ये दो काम होता है बोलेंगे, लेकिन पहला और तीसरे को निषेध कर देंगे, वो नहीं होगा, अटाट आगम नहीं होगा और इकार लोप भी यहां नहीं होगा, ये कह रहे हैं। क्यों क्यों अब अडाट आगम क्यों नहीं होगा ये जानना जरूरी है, और इकार लोप क्यों नहीं होगा ये भी जानना जरूरी है, इनमें हेतु भी समझना चाहिए, है ना? जानते हैं अडाट आगम क्यों नहीं होता? नहीं जानते। इकार लोप क्यों होता नहीं ये भी नहीं जानते। तो समझ लीजिए, लंग को परे रहते हुए अट्टागम होता है किसको? किसको? अंग को होता है, है ना? अच्छा, इसका अंग संज्ञा कब होता है? अंग संज्ञा कब होता है? जिससे आप लंग का विधान किए हो उस लंग के परते पूर्व को अंग संज्ञा होता है ना? अब आपने भू से लोट का जो विधान किया है, लोट निमित्त अंग संज्ञा भू में रहेगी कि लंग निमित्त अंग संज्ञा रहेगी भू में? लोट निमित्त की रहेगा ना, इसीलिए अडाटागम नहीं होता। लंग निरूपित अंग संज्ञा प्राप्त नहीं होगी। लंग जैसे करो बोल रहे हैं, लंग जैसे करना है, इसका लेकिन लंग के परे तो जैसा अंग संज्ञा होगा वैसे यहां भी अंग संज्ञा हो जाएगा। यीशु अंग संज्ञा का मतलब क्या होता है? यीशु कौन? लुंग लंग रिंग। तन्निमित्त अंग संज्ञा में ही होगा, अंग संज्ञा होकर सूत्र पढ़ा क्या तुमने? फिर यस्मात् प्रत्यय विधीयते है ना, जिससे जो विधान यह प्रत्यय यस्मात् विधीयते तस्मिन् परे, जिससे जो विधान किया उसके प्रत्यय पूर्व की अंग संज्ञा होगी। अब जब लंग यहां से विहित ही नहीं है भू से, तो लंग निमित्त अंग संज्ञा इसमें कहां से आ जाएगा? इसे अंग संज्ञा का अतिदेश कभी हो ही नहीं सकता। हम भू के जब कुछ आदेश करूंगा तो भू में रहने वाला अंग उसमें आ जाएगा, निमित्त को लेकर के निमित्त में बदल जाए तो वहां पर अंग संज्ञा नहीं आ सकती, नहीं तो तदादि करने की जरूरत नहीं अंग संज्ञा सूत्र में। भूधन तिप शब करने तो शब के सहित की अंग संज्ञा करने तदादि बोलो ना, फिर क्या जरूरत है? शब का परते भी केवल इसकी अंग संज्ञा करते भी नहीं करते हो, और शब सहित की भी अंग संज्ञा कर देते हो, क्या जरूरत है? एक बार अंग हो गए तो अंग हो गए, तिप की परते अंग संज्ञा कर लो कहानी का, अंग संज्ञा सब जगह काम कर जाएगा ना, करेगा? गुण ही नहीं होगा भू का। फिर तिप को निमित्त मान करके आप भू को अंग संज्ञा करते हैं तो भू को गुण कर ही नहीं पाओगे, इसलिए शप करने के बाद शप निमित्त का अंग संज्ञा भू में करना जरूरी है, तब भू का गुण होता है। और तिप को मान फिर किसको अंग संज्ञा करूंगा? भव संपूर्ण को करूंगा, उसे क्या होगा? इस आकार को दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घो यही। इसे जिससे हम विधान कर रहे हैं किस निमित्त का अंग संज्ञा है यह देखना जरूरी होता है, तभी वहां कार्य हो सकती है। और आप मान लीजिए भूदन तस है, इसी अवस्था में भू के अंग संज्ञा कर लिया, तब भी मैं इसको गुण नहीं कर सकता हूं शब्द को पर आने के बाद, भले भू में अंग संज्ञा है किसके? तिप के निमित्त है या तस के निमित्त अंग संज्ञा है, लेकिन भू का आप गुण नहीं कर सकते। सर्वतोकार्जुन कह दिया अंग से गुण हो जाए, इगंतांग से गुण हो जाए, इन पूछा जाएगा इगंतांग को गुण करो बोल रहे सर्वतोकार्जुन सूत्र, कौन से सर्वतोकार्जुन के प्रत्यय हुए? इसीलिए शब को भी हमें अंग संज्ञा सार्वधा संज्ञा करना पड़ा, नहीं तो तिंगशित सार्वधित करने कोई जरूरत नहीं थी। शित भी कहा कि नहीं कहा? तो शित को भी सर्वधा संज्ञा हुई, तो उस सर्वधातु के प्रत्यय हुए, आपको उस गुण करना है तो इसलिए इस प्रत्यय के प्रति अंग संज्ञा भी करना पड़ेगा। तिप निमित्त अंग संज्ञा को लेकर के शप निमित्त गुण नहीं कर सकते आप, ध्यान में रहे ना फर्क। आप तिप को निमित्त मान करके मान लीजिए भू की अंग संज्ञा कर दिए,
बाद में सब करके सबको निमित्त मान करके भू को गुण करना चाहोगे, यू कैन नॉट डू इट। ये सब निमित्त अंग संज्ञा भू में आपने नहीं किया है। इसे पहला दिन ही मैंने बोला था, भवती जब बना रहा था दो बार अंग संज्ञा करना पड़ेगा कहा था ना, दो बार आपको अलग अलग अंग संज्ञा करनी पड़ती है। कर्तृ शब्द क्या होता है, धातु अधिकार में है, भू विकृत हो गए फिर एक दिशा अर्थ न्याय लागू करना पड़ गया, परिभाषा लानी पड़ी, गौरव काम करूंगा क्या, भू धातु है क्या, भो धातु है, कौन सा धातु है, धातु संज्ञा किसी की थी आपने, उसी से शब्द हो सकती है, भो से शब्द हो नहीं सकता, बस भाई परिभाषा लाओ, गौरव काम क्यों करूं, पुरखों का काम है ना गौरव का काम करना, यहाँ तो लाघव देखना है हमें। व्याकरण क्या बोलते हैं, अर्धमात्र लाघवे न, बाल तो एक शब्द बोलना नहीं चाहिए व्याकरण पढ़ने वाले को, व्याकरण वालों का नियम है अर्धमात्र लाघवे न पुत्र सो मन्यन्ते व्याकरणाहा। यार राजकुल में एक भी लड़का नहीं था, अब लड़का पैदा हो जाए, राजकुमार पैदा हो जाए तो कितनी खुशी मनाएगा राजा, उतनी खुशी व्याकरण मनाते हैं आधी मात्र भी कम बोलना पड़ जाए। और यहां हम परिभाषा लाएंगे इतनी लंबी चौड़ी फालतू की, उल्टा काम करके, एक तो पहले उल्टा काम कर रहे हो फिर परिभाषा ला रहे हो, इतना गौरव काम। 138 परिभाषा में दूसरी परिभाषा कहता है हर बार करो अंग संज्ञा, हर बार करो गुण संज्ञा, जितनी बार जरूरत पड़े एक रूप बनाने में उतनी बार संज्ञा करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन उल्टा काम करके परिभाषाओं को लाना दोष है। निमित्तक कार्य में करना चाहते तन्निमित्तक संज्ञा होना जरूरी है। इसे हर बार हम क्या बोलते हैं, अमुक अमुक सूत्रों की सहायता क्यों बोलता हूं, फिर वो बोलना लाघव है, प्रक्रिया में ऐसा ही होना है, उसको हम बचा नहीं सकते। सवेरे भोजन खा लिया तो 24 घंटे की चल गई, ऐसा होता है क्या, एक गिलास पानी पी लिया तो काम चल गया, चलता है क्या, कई चीजें बारंबार करना होता है तो गौरव नहीं है। और आज के दिन बोल तुमको 10 बार नहाना पड़े, नहीं 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 एक ही बार सवेरे नहाऊंगा, नहाने के बारे में बार बार नहीं होता, लेकिन पानी पीने के लिए बार बार पिया जाता है। कि एक काम का नियम को दूसरे काम मत लागू करो, इसीलिए ये व्यवहार है संसार का, साधारण जीवन में व्यवहार है तो व्याकरण नहीं है। शब्द पर अनुशासन करने जा रहे हैं, जब शरीर पर अनुशासन करने के लिए 10 बार पानी पीना एक बार नहाना, तो शब्दों पर अनुशासन करने के लिए 10 बार संज्ञा की जा सकती है, उल्टा काम करके परिभाषा नहीं ला जा सकता है। हर चीज उल्टा उल्टा नहीं सोचना है, एक जगह कर दे तो उधर वहां लगा दो, वहां भी लगा दो, उल्टा पुल्टा काम कर दो, ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारी खोपड़ी ऐसी है। तो इसलिए यहां पर क्या नियम है कि आप जो है यज से यनिमित्त अंग संज्ञा करेंगे तन्निमित्त कार्य ही की जा सकती है। यहां लंग तो आया नहीं, लंग के समान काम करो बोल रहे हैं हम, लंग के समान काम करो बोल रहे, इसका मतलब नहीं कि लंग के प्रति जैसे अंग संज्ञा आ गए इसमें वैसे लंग निमित्त अंग संज्ञा आएगा क्या भू में, जब लंग विधि नहीं हुई है, लोट का विधि हो रखती है यहां। अतः लोट निमित्त अंग ही रहेगा भू में, लंग निमित्त अंग तो आ नहीं सकता, अतएव अट्ट और आटागम नहीं हो सकता। भाष्यकार एक छोटी सी पंक्ति लिखी है, लंग निरूपित अंगत्वाभावात, इतना ही हेतु दे दिया उन्होंने, लंग निरूपित अंगत्वाभावात अड़ाटो नस्तः, अट आट कभी नहीं होंगे। लंग निरूपित अंगत्वाभावात, लंग निरूपित अंगत्वाभावात, अंगत्व अभावात अड़ाटो नस्तः, ये सूत्र हम लोग पढ़ लेते उसके अर्थ को समझे हुए नहीं रहते सही सही। अड़ाटो अट्ट और आठ, अड़ाटो नस्तः, ऋतु का लोप क्यों नहीं हुआ उस पर फिर विचार करेंगे।